अच्छा, अभी तक आप लोगों ने इमेजेस तो ऐड करना सीख लिए, आप लोगों ने साथ साथ एक गैलरी बनाना भी सीख ली, बट नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड एक्सप्लोर सम अदर फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस जिसका ताल्लुक है ऑडियो से और वीडियो से। और ऑडियो और वीडियो हम आपको अलग अलग तो ऐड करना सिखाएंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी एक प्लेलिस्ट जो है वो देखें कि कैसे बनती है, क्यों बनती है और प्लेलिस्ट की ज़रूरत कहाँ पर पेश आती है। एक चीज़ जहन में याद रखिएगा कि आपने हर चीज़ जो हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, यू मस्ट नो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑडियो प्लेलिस्ट क्यों ऐड करते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट क्यों ऐड करते हैं। सो द रीज़न वी ऐड एन ऑडियो प्लेलिस्ट इज़ कि अगर आप कोई एक वेबसाइट चलाते हैं विच इज़ अबाउट पॉडकास्ट, या लेट्स से आप कोक स्टूडियो के गाने हैं जिसकी एक वेबसाइट की आप बनाने का सोच रहे हैं, दैट्स वेयर यू विल ऐड एन ऑडियो प्लेलिस्ट और अ वीडियो प्लेलिस्ट। इंसर्टिंग एन ऑडियो और वीडियो प्लेलिस्ट इज़ वेरी सिमिलर टू इंसर्टिंग अ गैलरी। बिल्कुल जैसे आपने गैलरी ऐड की, वैसे ही आप एक ऑडियो और वीडियो प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके जहन में एक सवाल, एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये प्लेलिस्ट होती क्या है, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ अ प्लेलिस्ट एग्जैक्टली। सो प्लेलिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल्स दैट कैन बी प्लेड ऑन अ मीडिया प्लेयर आइदर इन अ सिक्वेंशियल और शफल्ड ऑर्डर। सो बिल्कुल जिस तरह आप अपने फ़ोन पे गानों की एक प्लेलिस्ट बनाते हैं, वैसे ही यू विल बी एबल टू क्रिएट अ वेरी सिंपल एंड अमेजिंग प्लेलिस्ट एंड अपलोड इट टू वर्डप्रेस। ऑडियो प्लेलिस्ट विल ऑब्वियसली प्ले ऑडियो एंड वीडियो प्लेलिस्ट विल ऑब्वियसली प्ले वीडियो। सो ये प्लेलिस्ट इस तरह थोड़ी सी डिफरेंट है। हाउ कैन यू क्रिएट अ प्लेलिस्ट? आप वहीं जाएंगे, आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे, एक नई पोस्ट बनाएंगे या एक नया पेज बनाएंगे एंड यू विल क्लिक ऑन ऐड मीडिया। जब आप ऐड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे, दैट्स वेयर यू हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट एन ऑडियो प्लेलिस्ट और अ वीडियो प्लेलिस्ट। आपको लेफ्ट पे कुछ बटन्स भी नज़र आ रहे होंगे विच अलाउ यू टू डू दिस। सो वंस यू हैव सिलेक्टेड द पर्टिकुलर प्लेलिस्ट दैट यू वांट टू क्रिएट, यू विल सिलेक्ट दोज फाइल्स जो आप एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए ऐड करना चाह रहे हैं। वहाँ पे हर फाइल का एक अपना टाइटल है, एक अपना कैप्शन है और एक डिस्क्रिप्शन है जो आप ऐड कर सकते हैं। दिस ऑल इज कॉल्ड मेटा डेटा। ये मेटा डेटा आपको हेल्प करता है सर्च इंजन को बताने के लिए कि आपका पेज क्या है और किस तरह से काम कर रहा है। यू कैन ऑल्सो इनेबल शो ट्रैक लिस्ट, यू कैन ऑल्सो इनेबल शो इमेजेस। अगर आपके ट्रैक की लिस्ट में कोई नाम है तो वो वहाँ पे शो अप होगा, या अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड इमेज है तो वो वहाँ पे शो होगा। इसी तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट यू शुड बी एक्सप्लोरिंग एंड यू शुड बी सीइंग। साथ ही साथ आपके पास कुछ क्वेश्चंस जेन में आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे होंगे कि व्हाई डू आई नीड टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट, आखिर मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो इस तरह की कोई चीज़ कर भी नहीं रहा, तो क्या ज़रूरत है कि मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी तरह का मीडिया अपलोड कर रहे हैं, वेदर इट्स योर ओन मीडिया, वेदर इट्स मीडिया दैट यू आर क्यूरेटिंग फ्रॉम अदर साइट्स, उसके लिए क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट विल रियली हेल्प यू। एक और क्वेश्चन, कैन आई क्रिएट प्लेलिस्ट ऑफ ऑडियो फाइल्स फ्रॉम ओवर द इंटरनेट? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमेजेस पे क्वेश्चन आया था, मेक श्योर यू ओन द लाइसेंस और यू गिव अ लिंक बैक और अ क्रेडिट टू दैट वेबसाइट जिधर से आपने वो ऑडियो फाइल उठाई। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आप कोक स्टूडियो के कुछ गाने उनकी एक साइट बना रहे हैं, तो प्लीज़ लिंक बैक टू द कोक स्टूडियो साइट एंड गिव अ डिस्क्लेमर कि यू डू नॉट ओन दिस कंटेंट एंड दिस कंटेंट इज़ एंड बिलोंग्स टू कोक स्टूडियो। एक और क्वेश्चन आपके जेहन में शायद आए कि डू आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्टेंट? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दिस इज़ अ येस। You need to be very careful about the content that you are uploading.
क्योंकि आपके पास उस कंटेंट का लाइसेंस होना चाहिए जो आप अपलोड कर रहे हैं, या आप उन्हें लिंक बैक दे सकते हैं. दैट्स द राइट वे टू डू इट. एक और क्वेश्चन, डज एडिंग ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स स्लो डाउन द साइट? सो डेफिनेटली, अगर आप ऑडियो और वीडियो फाइल्स ऐड करेंगे, आपकी साइट की स्टोरेज स्पेस यूज होगी, आपका साइट का बैंडविड्थ यूज होगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो अब हम आपके सामने सीखेंगे और आप मेरे साथ सीखेंगे कि कैसे हम एक ऑडियो या वीडियो प्लेलिस्ट को ऐड कर सकते हैं. सो वील यूज द सेम फंक्शंस जो मैंने आपको भी बताए. वील लॉग इन एंड वी विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ पोस्ट. सो पोस्ट को हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, एंड पेजेस जो है ना वो सौतेले लग रहे हैं अभी तक. तो इसीलिए मैं इस दफ़ा पेज पे जाके प्लेलिस्ट ऐड करूँगा, क्योंकि हमने पेजेस को बिल्कुल एक सौतेला बना के रख दिया है. सो जस्ट टू चेंज आवर फ्लेवर अ लिटिल बिट, वी विल बी क्लिकिंग ऑन ऐड मीडिया ऑन अ पेज, एंड यहाँ पे वी विल बी नाउ एडिंग एन ऑडियो प्लेलिस्ट. सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट ऑडियो प्लेलिस्ट, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई आइटम्स नहीं अवेलेबल. सो मैं कुछ सैम्पल आइटम्स जो मैंने अपने पास ढूंढे हुए हैं, मैं उनको अपलोड करूँगा. सबसे पहले आई विल ट्राई टू ऐड कुछ ऐसी फाइल्स जो कि सिर्फ ऑडियो हैं. सो लेट्स ट्राई टू सी कि इनमें से कौन सी फाइल ऑडियोज हैं. सो ये कुछ फाइल्स हैं विच आर ऑडियो फाइल्स, और ये मैंने आपके लिए सैम्पल के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है. आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड देम, एंड जैसे ही ये अपलोड हो जाएंगी तो इनके एसोसिएटेड इमेजेस भी आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो जाएंगे. कोई फॉर्मेट अगर सपोर्ट नहीं करता, जिस तरह ये एक MP4 फाइल है, दिस इज़ नॉट एन ऑडियो फाइल. सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस फ्रॉम हियर. सो नाउ आई हैव टू ऑडियो फाइल्स एंड आई कैन क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट यूजिंग देम. तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों मैंने सेलेक्ट की हुई हैं. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट. सो जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट किया, इसने मुझे दो ऑप्शंस दे दी. मुझे राइट पे ही दिखा रहा है कि शो ट्रैक लिस्ट, शो आर्टिस्ट नेम, शो इमेजेस. तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू शो देम, एंड आई क्लिक ऑन इंसर्ट ऑडियो. एंड यहाँ पे एक आपको बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो एक मीडिया प्लेयर वो नज़र आएगा. I am going to give a title to this post. This is my audio playlist. And I am going to save this. Saath hi saath, just to add some fun, I want to add a featured image to this as well. Aur main wo add kar dunga. And I click on save. And as soon as I open this page, so aap dekh rahe hain mera featured image top pe aa raha hai. और एक प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली बन गई. आई कैन ट्राई टू प्ले दिस एंड सी के ऑडियो बजता है कि नहीं बजता. तो ऑडियो इस पे ऑब्वियसली प्ले हो रहा है, आपको एक मूवमेंट नज़र आ रही है. सो आई एम गोइंग टू गो बैक, एंड इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस प्लेलिस्ट, मैं उसी तरह उस पर क्लिक करूँगा. मेरे पास एडिट का ऑप्शन भी है, मैं इसको ऑडियो प्लेलिस्ट को एडिट भी कर सकता हूँ. एंड आई कैन क्लिक ऑन रिमूव एज वेल, और इसी तरह रिमूव हो गया. बट नाउ I want to add a video playlist. So, जल्दी से हम एक video playlist add करेंगे, बिल्कुल वैसे ही but with a different strategy. I'm going to drag and drop images. मैं अपनी दो favorite files को ही उठाऊँगा video की, and I'll just upload them. और obviously video files बड़ी हैं तो ये ज़्यादा time लेंगी upload होने में, but as soon as they'll be uploaded, you will see that they will be reflected here. दोनों upload हो गई हैं. एक इनमें से ऑडियो फाइल है, अगेन मैंने गलती से अपलोड कर दिया, सो आई एम गोइंग टू डिलीट देम. और मैं इसको दोबारा एक और वीडियो फाइल जो है वो अपलोड करूँगा. फॉर्मेट्स का आपने ख्याल करना है, क्योंकि कुछ फॉर्मेट्स वर्डप्रेस अलाउ करता है, कुछ फॉर्मेट्स इस पर नहीं चलते. आपको ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस बता देगा कौन सी फॉर्मेट्स किस तरह के हैं. सो यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर वीडियो फाइल्स, क्योंकि वीडियो का आइकन भी आ रहा है. आई गो ऑन क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट एंड आई जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट वीडियो प्लेलिस्ट. और अब आप देखें कि वीडियोस जो हैं वो इंसर्ट हो गई हैं. और आई विल चेंज द टाइटल टू दिस इज़ माय वीडियो प्लेलिस्ट एंड आई क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट. और क्लिक करने से, उसको देखने से आप देख सकते हैं, क्योंकि फीचर्ड इमेज वही वाला है जो पहले था, बट द वीडियो प्लेलिस्ट हैज बीन चेंज. सो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे वीडियो चलना शुरू हो जाएगी. एक
सिंपल सी वीडियो जो आपको चलते हुए नज़र आ रही है एक आपने वीडियो प्लेलिस्ट ऐड कर दी है एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव इट यू कैन गो बैक एंड क्लिक इट सो अगेन यू कैन रिमूव द फीचर्ड इमेज टू इफ़ यू वांट देयर लॉट ऑफ प्लगइन्स इस पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं देख सकते हैं जाके देखें एक्सप्लोर करें इस फीचर को विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस व्हाई नॉट टू डू दिस व्हाई टू डू दिस कैसे आप होस्ट कर सकते हैं कॉन्टेंट ऑन सम अदर साइट्स बट वील बी टीचिंग यू मोर ऑन दिस And you will love to explore these interactive features of WordPress. Stay with us.